अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी के तौर पर भी इसको कहा जाता है, लेकिन फिर भी ना तो लोगों के चेहरों पर मास्क नजर आ रहा है और ना ही कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नजर आ रही, यानी कि कोविड गाइडलाइंस का कोई ख्याल रख ही नहीं रहा, और यही वजह है कि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत पर सबसे बड़ा संकट, 1,00,000 के पार कोरोना केस, अब 24 घंटे में 1,00,000 के पार हुआ कोरोना का ग्राफ। इतना बड़ा आंकड़ा जो दुनिया के किसी देश का नहीं, आज की तारीख में अकेला भारत ही ऐसा देश है जहां कोरोना ने एक दिन में 1,00,000 के आंकड़े को भी छू लिया है। यकीन करना मुश्किल है कि जिस देश में फरवरी में एक दिन में दर्ज किए जाने वाले आंकड़े 10,000 के नीचे पहुंच गए थे, वो अब अप्रैल के पहले हफ्ते में 1,00,000 के पार है। देश भर में कोरोना की स्थिति भयावह होती जा रही है। एक दिन में 1,00,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दरियागंज के अंदर, दिल्ली के। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि मंडी में किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग, जो नियम कोरोना के दौरान होना चाहिए, वो सब कुछ बेपरवाह होता हुआ नजर आ रहा है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, जो कि सबसे ज्यादा जरूरत की चीजें हैं, उन सब को पूरी तरह से भूल करके अनदेखा करते हुए नजर आ रहे हैं, और यही वजह है जिसके कारण देश भर के अंदर कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो दिल्ली के अंदर भी आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत में वायरस बेकाबू है, रफ्तार ऐसी कि नींद उड़ जाए, फिर भी लोग बेफिक्र हैं। बाजारों में उमड़ती लापरवाह भीड़ इशारा कर रही है कि आखिर हालात क्यों बिगड़े, कैसी लापरवाही हो रही है ये बताएंगे, लेकिन सबसे पहले लगातार बिगड़ती देश की तस्वीर देख लीजिए। देश में कोरोना के केस 1,00,000 के पार जा चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा संकट महाराष्ट्र का है। राज्य में कल एक दिन में 57,074 मामले सामने आए। वहीं छत्तीसगढ़ में 5,250 नए केस दर्ज किए गए, कर्नाटक में 4,553, जबकि यूपी में 4,164 और दिल्ली में 4,033 नए मामले सामने आए हैं। इन राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के हालात भी अच्छे नहीं। सभी जगह लगातार हुई लापरवाही अब भारी पड़ने लगी है। पिछले साल 30 जनवरी को देश में पहला कोरोना केस मिला था। सितंबर में आंकड़ा करीब 98,000 तक चला गया, लेकिन अब कोरोना की दूसरी लहर ने डरा दिया है। आज 1,00,000 के पार जा चुके हैं नए मामले। ऐसे में तमाम प्रभावित राज्यों और केंद्र सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। आउट ऑफ कंट्रोल मामलों को लेकर कल प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल बैठक भी की। इस मीटिंग में पीएम ने जन भागीदारी और जन आंदोलन पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने 5 स्ट्रैटेजी, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, कोविड गाइडलाइन के मुताबिक बर्ताव और वैक्सीनेशन की रणनीति अपनाने पर जोर दिया। हाई लेवल मीटिंग में उन 10 राज्यों के कोरोना ग्राफ पर चर्चा हुई जहां देश के 91% केस आ रहे हैं। पीएम ने निर्देश दिए कि सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ में केंद्रीय टीम भेजी जाए, जो वहाँ स्थिति कंट्रोल में करने को लेकर एक्शन प्लान तय करेंगी। उधर गंभीर हालात के बीच महाराष्ट्र सरकार ने मिनी लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। 9 अप्रैल की रात 8 बजे से हर वीकेंड पर लॉकडाउन रहेगा। नाइट कर्फ्यू का भी फैसला किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।